मॉडल तो ठीक हैबर्स प्रोसेस होता है, हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस बहुत ही यूजफुल इंडस्ट्रियल यूजफुल रिएक्शन है। इसमें अमोनिया बनाते, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कहां से, फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। फ्यूल के नाम पे केवल हाइड्रोजन का खर्च होता है, बाकी नाइट्रोजन तो हवा में उपलब्ध ही है ना। मकान बनाते हैं तो पानी के लिए थोड़े पैसे देना है, वो तो मुफ्त में है। तो नाइट्रोजन हवा में है और हाइड्रोजन, अब इसमें क्या होता है कि रिएक्शन में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है और हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है। ये मिल के बनता है 2NH3 गैस और इक्विलिब्रियम का। ये रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है ये वैल्यू है -22.4 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। तो -22.4 किलो कैलोरी पर मोल। ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक हो गया क्या? एक्जोथर्मिक है। अब इस रिएक्शन को करवाते हैं एक कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में। हम क्या करेंगे, फ्यूल के फॉर्म में क्या डालेंगे? नाइट्रोजन डालेंगे मशीन में और निकालना चाहेंगे अमोनिया, यही ना। ये तो पता है कि इक्विलिब्रियम होता है। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन रखा जाए, फेवरेबल कंडीशन फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अमोनिया, ये हम चाहते हैं रखना ताकि सस्ते दाम में अमोनिया को बनाया जा सके। फ्यूल तो चाहिए, हाइड्रोजन तो चाहिए, नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर से अवेलेबल है। क्या कहते हो तुम, प्रेशर हाई रखना चाहिए कि लो? प्रेशर हाई, प्रेशर पे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है। लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल अमोनिया की तरफ है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तरफ है? अमोनिया की तरफ है। तो प्रेशर बेसिकली क्या लगाना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। हाई प्रेशर क्या करेगा, फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा हाई प्रेशर। दूसरा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बीच बीच में हम लोग ऐड करते रहेंगे और अमोनिया को बीच बीच में निकालते रहेंगे। तो नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को ऐड करते रहना पड़ेगा और अमोनिया को
रिमूव करते रहना पड़ेगा। ये भी फेवरेबल सिचुएशन हो गया, ये तो ऑब्वियसली कर रहे थे, ये दोनों सप्लाई कर रहे थे और ये रिमूव कर रहे थे, ये तो बहुत ऑब्वियस है। और तीसरा पॉइंट है वो ये है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए लो की हाई, लो टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर फेवर करेगा फॉरवर्ड शिफ्ट को ना, लो टेम्परेचर फॉरवर्ड शिफ्ट को, फॉरवर्ड शिफ्ट को फेवर करेगा। तो बेसिकली थियोरेटिकल थियोरेटिकली जो फेवरेबल सिचुएशन है, फेवरेबल कंडीशन हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर होना चाहिए। पर इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होता है उसमें हाई प्रेशर तो अप्लाई करते हैं एंड टेम्परेचर भी हाई अप्लाई करते हैं, जो कि उल्टा है किससे, थ्योरेटिकल से। वजह क्या है, हाई प्रेशर लगभग लगभग यूज करते हैं, हाई प्रेशर तो एकदम सही है, पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर में क्या प्रॉब्लम होता था, लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड शिफ्ट तो होगा लेकिन एक प्रॉब्लम था, गर्म करना उतना पैसा खर्च नहीं होता है और हम प्रोडक्ट अमोनिया निकालते ही जा रहे हैं, तो क्या होता है, पर लो टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही स्लो हो जाता है, तो थोड़ा सा अमोनिया बनने में एक आध दिन लग जाएगा, समझ रहे हो। तो कहते हैं टू इंक्रीज हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, टू इंक्रीज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बेसिकली हैबर्स प्रोसेस में जो थियोरेटिकली जैसा सजेशन था उसका उल्टा करते हैं टेम्परेचर के लिए, क्यों, क्योंकि तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, अमोनिया का प्रोडक्शन तो बहुत हाई चाहिए, तो क्या करते हैं, भले ही इक्विलिब्रियम इधर ही रहे N2H2 डाल डाल के आगे बढ़ाएंगे और अमोनिया को निकालते जाएंगे ताजा ताजा, है ना। हाँ, और भी क्या करते हैं, और इसमें ऐड करते हैं एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर थोड़े अमाउंट में बनाना हो अमोनिया तो क्या प्रेफर करेंगे, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लेकिन बहुत अमाउंट में अमोनिया बनाना है तो क्या करते हैं इंडस्ट्री में, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। दूसरा है
मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग है ये भी एक इक्विलिब्रियम है। H2O सॉलिड किस में जा रहा है? H2O सॉलिड जा रहा है H2O लिक्विड में। ये प्रक्रिया कैसा है? हीट देना पड़ रहा है कि हीट लेना पड़ रहा है? हीट देना पड़ रहा है ना, आइस को मेल्ट करवा रहे हो तो हीट देना पड़ रहा है, तो एक प्रक्रिया एंडोथर्मिक है। तो रेट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, क्योंकि इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने में फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ देखो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये देखो ये तो सॉलिड और लिक्विड है, गैस तो कोई है नहीं कि पीवी इक्वल टू नॉट लगा दोगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है 0.9 ग्राम पर सीसी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी है। तो बेसिकली आइस टू वाटर जाना एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन? अरे कंप्रेशन है ना, हाई डेंसिटी मटेरियल में कन्वर्ट करो तो वॉल्यूम घटा रहे हो ना, वॉल्यूम घटाना तो क्या है? कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन के लिए प्रेशर क्या करोगे? बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ाओगे। यही अगर तुम करते, इवोपरेशन ऑफ वाटर, इवोपरेशन ऑफ वाटर, यहां पे तुम क्या कर रहे हो? H2O लिक्विड से H2O गैस जा रहे हो। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? इस प्रक्रिया में, ये प्रक्रिया भी कैसा है? इंडोथर्मिक है ना, इंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर बढ़ाना चाहोगे और प्रेशर क्या करना चाहोगे? एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है। और लिक्विड से गैस गया, एक्सपेंशन है, तो प्रेशर क्या करोगे? घटाओगे। तो लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन क्या होगा? बहुत ही तेज हो जाएगा। चलिए एक चीज और सिखा दें, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो वेपोराइज होता रहता है गैसियस फेज में। इसका जो केपी है वो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस होगा क्या? ये केपी किस बात पे निर्भर करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर फिक्स रखेंगे तो केपी फिक्स रखेगा रहेगा। तो केपी फिक्स्ड है तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी कंटेनर में हमने पानी ले लिया, तो पानी क्या होगा? ऐसे उड़ेगा,
और उड़ के पानी जो होगा वो पूरे फैलता जाएगा ना बाहर में डिफ्यूजन की वजह से। तो यहां जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एवोराइज H2O, ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा, ये तो किसके बराबर होगा, ये तो क्यूपी के बराबर होगा, क्योंकि अभी खाली इवोपरेट हो रहा है, कंडेंसेशन तो हो नहीं रहा है, लेकिन इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेट होता, और यहाँ जो गैस जमा हो गया था उड़ने का, तो अब कोई उपाय नहीं है, एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंचेगा और फिर कंडेंसेशन भी होगा। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस है वो तो फिक्स हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा केपी के बराबर, एंड दिस पार्शियल प्रेशर इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब क्या करेंगे, दिस इज फिक्स्ड एट, फिक्स्ड टेम्परेचर। अब देखो तो ये रिएक्शन के बारे में क्या ख्याल है, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी बढ़ेगा क्या, तो केपी बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो यहां हम लिख रहे हैं टेम्परेचर, यहां लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर प्रेशर होता है 4.6 टॉर। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वेपर प्रेशर होता है 6.5 टॉर। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू है 9.2 टॉर। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 13। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू है 17.5। देख रहे हो बढ़ता जा रहा है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू है 24 टॉर। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू है 32 टॉर। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे
ये वैल्यू है 42, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू है 55, बढ़ता जा रहा, देख रहे हो, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 72 टोर, फिर लिखते हैं सीधे 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू है 525, 525 टोर, और 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 634, 634 टॉर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो सब लोग जानते हैं ना, 760 टॉर, तभी तो बॉयल होने लग जाता है, बाहरी प्रेशर के बराबर अगर वेपर प्रेशर हो गया तो ऊपर निकलने के बजाय अंदर भी बुलबुला बनने लग जाएगा, और बुलबुला जो बनेगा बायोन्सी से क्या होगा, ऊपर उठने लग जाएगा। तो देखिए ये है वेपर प्रेशर, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम एक कैलकुलेशन करना चाहते हैं, रूम टेम्परेचर लगभग ऐसा ही रहता है, देखना जैसे मान लो कि हमने एक कंटेनर में पानी लिया, और यह है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इधर ढक्कन बंद कर दिया, यहां पे क्या भरा हुआ होगा, हवा भरा हुआ होगा ना, यहाँ पे है एयर, है ना, अब क्या होगा, इधर पानी भी उड़ने लग गया होगा ना, पानी उड़ रहा होगा किसमें, H2O गैस में, उड़ते उड़ते यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O बढ़ने लग जाएगा क्या, तो पी टोटल भी बढ़ने लग जाएगा, लेकिन इसका लिमिटेशन है, ये हमेशा नहीं बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, एक टाइम आएगा कि रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, और अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और यही केपी के बराबर हो जाएगा क्या, और इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का, वो कितना है, 24, तो केपी का वैल्यू कितना हो गया, 24 टॉर हो गया क्या, और एटीएम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 760 एटीएम, है कि नहीं, ठीक है, 24/60 है, मान लो इसमें वेपर प्रेशर हमको वाटर का और बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मान लो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे हमने कंटेनर रख दिया है,
25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, इसको हम फ्रीज में जाके रख दे रहे हैं, इसको हम फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर को हम ले गए हैं, नया जो टेम्परेचर है उसको हम ले गए हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होता है देखो, तो 9.2 टॉर। तो केपी का वैल्यू भी हो जाएगा 9.2 टॉर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो घट गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है कितना, 24 टॉर, और केपी का जो वैल्यू है ये हो गया है 9.2 टॉर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर क्यूपी हो गया। तो क्यूपी और केपी में क्या रिलेशनशिप है, क्यूपी बड़ा हो गया केपी से, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। एंड बैकवर्ड शिफ्ट होके न्यू जो पार्शियल प्रेशर वाटर का है कहाँ लाने की कोशिश करेगा, 9.2 टॉर। तो बेसिकली मोल ऑफ H2O गैस घट गया और मोल ऑफ H2O लिक्विड क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब ये ड्रॉपलेट और गिर गया होगा इसमें। यही मान लो कि हम इसको हीटर पे चढ़ा दें और टेम्परेचर को ले जाएं हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कहाँ पे जाके रुकेगा, 72 टॉर पे जाके रुकेगा। मतलब H2O गैस का जो मोल है वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा, मोल्स बढ़ेगा। तो बेसिकली ज्यादा वाटर कम वेपोराइज फॉर्म रखना हो तो टेम्परेचर घटाते जाओ, घटाते घटाते 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे तो 4.6 टॉर बच जाएगा, 0 के नीचे तो जमने लग जाएगा है। और अगर हम इसको बढ़ाते बढ़ाते 100 ले गए तो ये कहाँ 24 mm से पहुंच जाएगा 760 mm, मतलब कितना गुना हो गया, 10 गुना, क्या 30 गुना हो गया। तो 30 गुना वाटर और उसमें उसमें उड़ गया होगा, समझ में आया क्या। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम को हम आगे पीछे कर सकते हैं। लिखो, एक बात तुमसे हम पूछना चाहते हैं, ये तो कंटेनर बंद है ना, ऐसे करना चाहते हैं हम, ये कंटेनर में हमने पिस्टन लगा दिया, पिस्टन इसलिए लगाया है कि जब चाहे तब इसका वॉल्यूम कम और ज्यादा कर सके, और नीचे में वाटर है, यहां पे एयर भी है और H2O गैस भी है। टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दिया है, क्या रहा होगा इसमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O 20, कितना 24 टॉर है ना, 24 टॉर का पार्शियल प्रेशर रहा होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर हम मान लेते हैं उस समय टोटल ऊपर से 760 लग रहा था, तो ये कितना होगा, 760 में 24 घटाना पड़ेगा, 736 टॉर है एयर का, है कि नहीं, 736 टॉर है ना। पानी रखा करो साथ में, है ना, नींद आए तो पीने के लिए। सुबह का समय भाषण सुनना बहुत खराब चीज है, भाषण में सबसे ज्यादा नींद आता है, पता है, कई बार तो सुनने वालों को और कई बार देने वालों को भी अच्छा एक बात और है, नींद आने का एक और भी वजह होता है, शरीर अगर थका हुआ है ना तो नींद आएगा, और शरीर अगर नहीं थका है ना तो नींद एकदम ही नहीं, नींद से दूर हो जाओगे। तो सर नींद आने का एक तो ये वजह है कि रात में नींद पूरी नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, तुम कहीं और बिजी हो, गेम है ना, तुम्हारा टाइम टेबल सब खराब हो गया है,
या फिर तुम्हारा भोजन अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब तुम गरीब हो गए हो, हॉस्टल हॉस्टल में खाना वाना एकदम खराब मिल रहा है, तो खाने के लिए क्या करो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दो ही चीज चाहिए होता है। तो खाली चावल दाल में नहीं मिलता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, बहुत जगह मिलता है। कहीं जाते रहो रास्ते में, अंडा का दुकान दिखा, मार लिया चार, है ना, मिल गया प्रोटीन खूब। अंडा खाते हो तो कहीं जा रहे थे, सामने दिखा केले, ठेला दिख जाए केला वाला, एक दर्जन खरीद ही लो, एकदम इंस्टेंट है उसमें, है ना, बहुत बढ़िया है उसमें, तो केला खरीद लो, और कुछ नहीं तो आलू खरीद लो, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट खूब है ना, तो प्रोटीन मिल जाएगा तुमको अंडा से और आलू से मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कुछ नहीं एक और रखे रहो, एक एक इलेक्ट्रिक को ले लो। अरे ये सब सर्वाइवल का तरीका है जब तुम स्टूडेंट जीवन में होते हो, इतना फैसिलिटी मम्मी नहीं मिलेगी तुमको सब जगह की, ठूस ठूस के मुंह में खिलाएगी। अभी हॉस्टल में भी जाओगे तो ऐसे होगा, तो क्या करेगा, अंडा हो गया प्रोटीन, है ना, अंडा हो गया प्रोटीन और दूध भी हो गया प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट में चावल हो गया, और चावल तो अब नहीं पका पाओगे, आलू पका सकते हो, वो एक होता ना इलेक्ट्रिक वाला, उसमें आलू पका के खा लो। अंडा भी क्या पकाओगे, अंडा वो कच्चा ही अंडा खरीदो और रखे रहो जेब में, जेब में नहीं मतलब रूम पे रखे रहो, बॉयल कर लो, बॉयल करके खा लिया तो प्रॉपर। या और कुछ नहीं तो बिस्किट रखे रहो जेब में, मतलब बैग में, बिस्किट में भी मिल जाए कार्बोहाइड्रेट, तो जब ऐसे भूख लगे तो खा लिया, या चॉकलेट भी खा सकते हो, तो तुम तरोताजा रहोगे हमेशा। ये सब तरीका है, सब लोग ऐसे करते हैं। कॉफी पीते हैं ना हम, क्यों पीते हैं, नींद आने लग जाती है, नींद भगाने के लिए। तो ये सब तरीका तुमको ढूंढना पड़ेगा, और सबसे अच्छा तरीका होता है नशा करना, लेकिन वो एडिक्शन है, फिर उसमें बर्बाद हो जाओगे। जैसे जो जो लोग गुटखा खाते हैं ना, वो आलस्य में नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आते, बहुत गुण है उनमें, तुम बुरी नजर से मत देखो उनको। मेरा दोस्त जो भी गुटखा खाता है क्लास में इतना टनाटन रहता है ना, अभी अभी आलस्य आया, बाहर निकलेगा एक मार के और फिर आएगा, फिर देखो और थोड़ा गरीब है, उतना टीचर तो गरीब नहीं रहता है, तो खैनी खाएगा। अरे ये सब स्टिमुलेट करता है माइंड को, समझ रहा है, पर एडिक्टिव है, एक बार खा लोगे तो फिर तुम, या सिगरेट धूकेगा नीचे जाके वो, है ना, सिगरेट धूकने वाला, गुटखा खाने वाला, और खैनी, खैनी तो मास्टर नहीं खाएगा, उतना गरीब नहीं रहता है, सिगरेट पीने वाला और गुटखा खाने वाला, ये दो मास्टर सबसे एक्टिव मास्टर होता है, तुम पता कर लो इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में। गुटखा खाने वाला वो कुछ सोचेगा ही नहीं, अपना चलता रहेगा, जब मन तब पिचकारी खाली चला दिया कहीं पे लेकिन सक्रियता, वो 18 आवर्स अगर जगा हुआ है ना, तो 18 आवर सक्रिय रहे, खाली सोएगा तभी मुंह बंद रहेगा। कानपुर में बहुत खाते हैं गुटखा, कानपुर का कोई भी तुम्हारा जान पहचान का रिश्तेदार होगा, वो गुटखा जरूर खाएगा। तुमको हम ये सब गुटखा उटका नहीं सिखा रहे हैं, समझ रहे ना, तो हाँ नहीं, पर उसका लाइफ भी है ना, जिस लाइफ खराब हो जाएगा, खैनी खाएगा, गुटखा खाएगा, तंबाकू सेवन करेगा, सिगरेट पिएगा, तो माइंड तो एक्टिव हो जाएगा, पर वो लाइफ को घटा देता है ना, 80 साल की जगह अब 40 में, मतलब धीमा धीमा बत्ती जले, उससे अच्छा खूब तेज जला के 40 साल में खत्म कर दो, ऐसे होता है। तो तुम क्या करना, बॉडी में एनर्जी, पानी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तीन चीज का इंतजाम अपने बैग में करके रखो, समझ रहा है, तीन चीज का इंतजाम अपने बैग में रखो, तो तुम देखना कैसे 18 घंटे 16 घंटे टिक टिक जाओगे, एकदम टिके रहोगे, टिके रहोगे। इतना हम बोल रहे हैं तो ये मत समझना कि हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं, पर ये सब थ्योरी है। अब थ्योरी अलग होता है, प्रैक्टिस अलग होता है, तो जो प्रैक्टिस करेगा वो सफलता की तरफ बढ़े बढ़े बढ़ेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, यही तरीका है और क्या, थ्योरी कौन नहीं जानता है। चलिए तो ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर 24 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर 36 है। ध्यान रखना, एयर केवल गैस फेज में है,
और वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, किसमें, गैस में और लिक्विड में, ये लिक्विड और गैस दोनों के इक्विलिब्रियम में है। अब तुम क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, कंप्रेशन करोगे, मान लो कि वॉल्यूम वी जीरो से वी जीरो बाई टू कर दिया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर जो था ना वो 736 से दुगना हो जाएगा, 1472 टॉर हो जाएगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस जैसे ही 24 से 48 हुआ, अब तो क्या हो जाएगा, क्यूपी बड़ा हो गया ना केपी से, तो ये कैसा होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा ना, बैकवर्ड शिफ्ट होगा और कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, और इस तरीके से फाइनल जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस है वो फिर कहां पहुंच जाएगा, 24 टॉर। समझ में आया क्या? तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर ये तो हम कंटेनर में लिए, ऐसे हवा में भी तो पानी घुल सकता है? अरे हवा में भी तो पानी घुला हुआ है, तो हवा में पानी घुला हुआ है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हवा में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कभी भी 24 को पार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 24 टॉर अगर हवा में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर हो गया तो कहते कि जितना वाटर घुल सकता था हवा में पूरा घुला हुआ है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। अरे ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना कि हवा में कितना मॉइस्चर है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कितना, 100%। मान लो कि दिन में तापमान पहुंच गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में घुला हुआ है 24, घुल सकता था 32 और घुला हुआ है 24, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, 24/32 इंटू 100, 3/4 इंटू 100, 75% ह्यूमिडिटी है। दिन में 75, उतना ही पानी घुला हुआ है हवा में, दिन में 75% ह्यूमिडिटी है और रात में 100% ह्यूमिडिटी है, और अगर तापमान 25 डिग्री से गिर के 20 डिग्री हो गया, अभी तो मौसम आ गया वैसा, तापमान अगर 20 डिग्री हो गया तो हवा में घुला है 24 और उस समय वेपर प्रेशर है वाटर का कितना, 17.5, तो ह्यूमिडिटी 100 भी पार हो जाएगा क्या? नहीं, बीच में रात में पानी टपक जाएगा नीचे, ओस गिर जाता है, ऐसे ही मौसम में ओस गिरता है। जब दिन में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर उतना ज्यादा होता है कि रात के वेपर प्रेशर से भी एक्सीड कर जाए, तो रात में वहीं पर बरसात हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और ओस गिरना चालू हो जाता है। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे कि मैक्सिमम वाटर का पार्शियल प्रेशर एयर में उतना ही हो सकता है जितना उस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर होता है। मान लो तापमान अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी है 80%, रात में तुम देखोगे, तुम देखना गूगल में वेदर सर्च करके ह्यूमिडिटी ऐसे कंट्रोल करके टाइम बढ़ाना, रात में देखोगे कि अभी दिन में ह्यूमिडिटी है 60%, तो रात के 12 बजे 1 बजे जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो ह्यूमिडिटी दिखाएगा 95%। समझ रहे? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक मेजरमेंट है वेदर के लिए, बहुत इस्तेमाल होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर गैस इन एयर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर इंटू 100%। जैसे तुमसे अगर हम पूछे कि रूम टेम्परेचर
जैसे अभी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मान लो है अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लो, हालांकि 30 नहीं होगा, कम ही होगा है ना। और अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है और तुमसे हम जानना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर गैस इन एयर निकालना है, वेपर प्रेशर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 32 टोर, बताओ तो कितना है। हाँ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो अगर 60% है तो 60 का वैल्यू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100 डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 32 टॉर है, तो ये कितना हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर 32 इंटू 6 बाई 10, 6 × 2 = 12 और 18 और 1 = 19, 19.2 टोर है ना। अब मान लो कि नाइट टेम्परेचर गिरने लग गया, नाइट टेम्परेचर गिरने लग गया, नाइट टेम्परेचर मान लो शाम में 6 PM होगा और अब उस समय टेम्परेचर हो चुका है 30 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो गया होगा, अब हो गया होगा 19.2 और इस समय वेपर प्रेशर 25 पे कितना रहता है 24 है ना, इंटू 100 1920 बाई 24, 4 से कट जाएगा 6, 4 × 4 16, 3 × 2 = 8, फिर 6 से देख रहे हो बढ़ गया 80%, कहाँ 60% था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पहुंच गया 80%। मान लो कि रात में 9 बजे ये टेम्परेचर पहुंच गया कितना डिग्री, 20 डिग्री पे तो कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, 17.5 हो गया ना, 20 डिग्री से और भी कम मान लो कि टेम्परेचर पहुंच गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे वेपर प्रेशर होता है 17.5 है अगर 20 पे और 25 पे है 24, तो ग्रेडियंट कितना हो गया 8 का है ना, 8 है 5 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पे लगभग लगभग 1.6 × 2 = 3.2 तो हो गया कितना 17.5 × 3 = 20.7 टॉर है। तो अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो गया बताओ तो 19.2 बाई 20.7 × 100 कितना हो गया 192/207 × 100%, बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ह्यूमिडिटी क्या 192, 207 को 208 कर दो, 4 से कट जाएगा 4 × 5 = 2, 4 × 4 = 16 = 8, 2 × 13 4 से और 12, तो 12/13 × 100 कितना हो गया 12, तो 0 तो पॉइंट तो 120, 17 × 3 = 0 92% है ना, देख रहे हो ह्यूमिडिटी पहुंच गया 92%। जैसे ही टेम्परेचर 20 कितना 22 से 21 पहुंचेगा तो ह्यूमिडिटी 100 के आसपास पहुंच जाएगा और 21 से जैसे ही पार हो नीचे उतरने की कोशिश करेगा अभी वाटर ड्रॉपलेट गिरना चालू हो जाएगा, मतलब रात में बिना बादल का बरसात चालू हो जाएगा, लेकिन वो बरसात में वाटर का क्वांटिटी इतना नहीं रहता है कि तुम कभी बरसात ऐसे नहीं तो बहुत धीमे धीमे बरसात, उससे भी बहुत स्लो बरसात चालू हो जाएगा और ओस गिरना चालू हो गया, समझ गए तुम बात को। तो ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
पिछले क्लास में कुछ होमवर्क भी था क्या? चलिए कर लेते हैं। चलिए तो सवाल है, कौन सा था? एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। पार्ट 3 में चलिए पहला सवाल बना है क्या? पहला सवाल कैसे बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वन का चलिए पहला सवाल बन गया है क्या? पहला में जो है, एज्यूम ओनली रिएक्टेंट वेयर प्रेजेंट इनिशियली, द एन टू एच टू टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, डेल्टा एन जी तो इसका निगेटिव है, के पी के सी में रिलेशनशिप बन गया है क्या? कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे कौन सा था? 2 का क्वेश्चन नंबर, पार्ट 1 का 11 12। चलिए 11 हो गया है क्या? 12 भी था, 12 बन गया है। नहीं, चलिए 12 बताते हैं।
देखो, बारह नंबर था ना वो सवाल, नहीं दिख रहा। पहले सवाल समझते हैं। सवाल है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर H2S गैस, 2H2 गैस प्लस S2 गैस इज 0.0118, ठीक है, एट 1300 केल्विन, व्हाइल द हीट ऑफ डिसोसिएशन इज 597.4 किलो जूल। द स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 1200 केल्विन इज, ये सवाल नहीं बना सकते, इसके लिए एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मो डायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये रिलेशनशिप होता है के का टेम्परेचर के साथ, जैसे ही पूछ रहा है ना कि 1300 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, तो 1200 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। देखो इसका क्या थ्योरी है, 2 मिनट में पढ़ा ही देते हैं। ये रिलेशन है, दिक्कत है कि तुम इसमें डेल्टा एच नहीं समझते हो, डेल्टा एस नहीं समझते हो, है ना, टेम्परेचर समझते हो, आर समझते हो। तो बेसिकली शुरुआत होता है चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, अभी हम लोग फॉर्मूला खाली ही यूज में ले आते हैं। फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये होता है इंथैल्पी चेंज और ये होता है इंट्रोपी चेंज, आगे पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, वेयर क्यू इज द रिएक्शन क्वेशेंट। कहते हैं कि ये जो एनर्जी चेंज है डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम, नेट एनर्जी चेंज, क्योंकि फर्दर कोई चेंज तो रिएक्शन में होता नहीं है, तो डेल्टा जी बन जाता है जीरो और क्यू बन जाता है के इक्विलिब्रियम। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां से आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये दो रिलेशनशिप यूज करके हम लोग टेम्परेचर का निकाल सकते हैं डिपेंडेंसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, एक ए इक्वेशन और एक ए इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 क्या लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लिखेंगे माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। समझ में आया?
नहीं समझना कैसे, तो खाली फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखो ए भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ, ए होता है और ए भी होता है, और ए तो हम यहीं से निकाले ना, तो इन दोनों की मदद से हम करें डेल्टा जी का वैल्यू माइनस आर टी एल एन के भी होता है, और डेल्टा जी का वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी होता है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से नहीं आ जाएगा, एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर इन टू टी विथ निगेटिव साइन प्लस डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई आर। है ना, यही इक्वेशन ऊपर दिया हुआ था क्या, देखो तो लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट। अच्छा तुमको ये बात पता है क्या, एल एन जो होता है, एल एन के होता है वो लॉग ई बेस होता है, और लॉग के जो होता है टेन बेस होता है। तो एल एन के को लॉग के में बदलना हो ना, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, मालूम है क्या? नहीं लॉग नहीं पढ़ा है क्या? किस लिए पढ़ा था लॉग फिर? ये नहीं हुआ पढ़ाई, हुआ होगा भूल गया होगा। तुम लोग फुल टाइम पढ़ाई करते क्या? जैसे नौकरी दो तरीके लोग करते हैं ना, एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम। पार्ट टाइम नौकरी तो तुम लोग पढ़ाई फुल टाइम थोड़े करता है, पार्ट टाइम खेलने मिलने के बाद जो टाइम बचेगा वो पढ़ेंगे, खेलने सोने के बाद जो बचेगा वो पढ़ेंगे। देखिए तो यहां इसको लिख सकते हैं ऐसे, एल एन के इक्विलिब्रियम को लिख देते हैं 2.303 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम तो हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर। यही इक्वेशन तो लिखा हुआ है, लॉग ऑफ टेन बेस के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर। नहीं समझ में आया, एक बार बताते हैं। है ना, लिख लिए तुम? नहीं सब मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं, तुम्हारा तो लिखा हुआ है ही। देखो क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आ रहा है इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहला बात यह है कि फॉर ए रिएक्शन चेंज इन एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, तुम जानते नहीं हो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, एक एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे मान लो किसी के पास खूब कोई पढ़ा लिखा आदमी है और उसके पास एक रुपया भी नहीं है, खूब पढ़ा लिखा आदमी है और उसके पास एक रुपया भी नहीं है, और दूसरा एक आदमी है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पास 1 लाख रुपया है, दोनों में कौन अमीर? अब कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका जो पढ़ाई लिखाई है कितना बड़ा है, हो सकता है महीने चालू कर देगा 2 लाख महीना, अगले महीने इसको हरा देगा,
या हो सकता है कि वो 10,000 महीने का हैसियत से पढ़ाई लिखाई किया होगा, तो बेचारा अभी वो 20 महीने 10 महीने काम करेगा तब 1 लाख रुपए जमा करेगा। वैसे देखना होता तो नेटवर्थ जो होता है वो बोलते हैं कि कितना धन है वो भी देखते हैं, कितना ज्ञान है वो भी देखते हैं। और कोई आदमी ऐसा जिसके पास ना ज्ञान है ना धन है, लेकिन वो वोट लेके बन सकता है मान लो MLA MP, तो कल से उसको वेतन चालू हो जाएगा ना या प्राइम मिनिस्टर ही बन जाओ तो क्या होगा। तो बेसिकली वो जैसे बोलते हैं ना, धन बल होता है, जन बल होता है और ज्ञान बल होता है। अरे समझ रहे हैं, इतने तरीके का ताकत होता है और सबको पूरा जोड़ देते हैं तब नेट बैलेंस बनते हैं। तुम खूब पढ़ाई में तेज हो, पूरे कंट्री में ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हो, IIT JEE जो टफेस्ट एग्जाम होता है उसमें, तो तुम आज प्राइम मिनिस्टर से ऊपर आदमी हो गया। पैसा कहाँ तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास आदमी कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर एक बार ऐसे ऐसे करेंगे तो पूरा इंडिया ऐसे ऐसे करेगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। वैसे ही किसी चीज में जो एनर्जी होता है, खाली एनर्जी इनथैल्पी और एनर्जी के फॉर्म में नहीं होता है, इंट्रॉपी भी होता है, बहुत तरह का एनर्जी होता है। उन सभी एनर्जी को जोड़ के जो वैल्यू बनता है उसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। धन बल, जन बल, ज्ञान बल सब जोड़ के ऑल इंडिया रैंक बनेगा, समझ रहे हैं? मान तुम फिजिक्स में खूब तेज हो, मैथमेटिक्स में गोल हो, तो ऑल इंडिया रैंक तुम्हारा कैसे बने? खाली फिजिक्स में थोड़े बन जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का नंबर जोड़ा जाएगा तब बनेगा ऑल इंडिया रैंक, समझ रहे हैं? तो ऐसी एनर्जी में होता है कि एंथैल्पी और एक होता है इंट्रॉपी, और दोनों को मिला के क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, समझ गए? एक स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट कहते हैं, और डेल्टा एच को डेल्टा एच नॉट कहते हैं, और डेल्टा एस को डेल्टा एस नॉट कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जितना भी एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी क्या होगा, चाहे मोलारिटी चाहे पार्शियल प्रेशर, है ना? अरे एक्टिविटी, लॉ ऑफ मास एक्शन याद है, ये सब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन रिएक्शन क्वेश्चेंट का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा क्या? अरे प्रोडक्ट भी सब 1, कंसेंट्रेशन हो गया, रिएक्टेंट भी सब 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्वेश्चेंट 1 हो जाएगा। एक और एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और दूसरा फॉर्मूला होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस RT ln Q, ये भी फॉर्मूला होता है। देखो ना, एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन Q का वैल्यू 1 हो जाएगा कि नहीं? अरे Q का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो ln Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये टर्म हो गया 0, तो डेल्टा जी नहीं हो गया, डेल्टा जी नॉट। इसी में कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम पहुंच जाए तो डेल्टा जी हो जाता है 0। अब कोई फर्दर चेंज नहीं होने वाला है, ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने वाला है, ना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आने वाला है, जितना जाएगा उतना वापस आ जाएगा, मतलब अब एनर्जी चेंज कुछ नहीं होगा, अब स्थिर हो गया। तो ऐसे में डेल्टा जी 0 हो जाता है, और क्यू कहां पहुंच जाता है, के इक्विलिब्रियम। तो ये फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K इक्विलिब्रियम। तो यहीं से आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। ये तो कहानी हो गया। अब हम वापस आते हैं कि इनका क्या इस्तेमाल करेंगे, तो तुम्हें दो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक डेल्टा जी नॉट लिख सकते हैं किस फॉर्मेट में, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट फिक्स होता है, टेम्परेचर बदलने से डेल्टा जी नॉट बदलेगा, है ना? टेम्परेचर बदलने से डेल्टा जी नॉट बदलेगा,
और डेल्टा जी नॉट का एक और फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर बदलेंगे, डेल्टा जी नॉट भी बदलेगा, टेम्परेचर भी बदलेगा, तो क्यू भी बदलेगा ना, बदलेगा कि नहीं? तो दिस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट। अलग अलग रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अलग अलग रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट भी अलग अलग होता है। फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट तो फिक्स होता है, तो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इतना समझ में आ गया क्या? चलिए, यहां तक तो लिखे हुए हो तुम। अब हम फिर वापस शुरू करते हैं। अब वापस शुरू करने में शुरुआत यहीं से करेंगे कि डेल्टा जी नॉट को हम दो तरीके से जानते हैं। एक जानते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, और दूसरा डेल्टा जी नॉट को जानते हैं हम लोग माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। वन और टू का सहारा लेके हम क्या कहेंगे? माइनस ऑफ आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। कोई दिक्कत नहीं इसमें? और यहां से कहेंगे एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम तो हो जाएगा डेल्टा एच नॉट विथ निगेटिव साइन बाई आर इन टू टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर, और एल एन के को लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम करेंगे तो माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर इंटू 1 बाई टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर। ये इक्वेशन बहुत फेमस है। मान लो कि हम अगर ग्राफ प्लॉट करें किसके वर्सेस, ग्राफ प्लॉट करें इस एक्सिस पे रखें लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम और यहां पे रखें 1/t, तो ये हो गया क्या वाई एक्सिस पे और ये हो गया एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन ऐसे ही होता है ना, और स्लोप कैसा होगा? स्लोप होगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाई, यही ना होगा? स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बेवकूफ हो। अरे डेल्टा एच भी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, नीचे वाला तो कांस्टेंट है 2.303 एंड आर। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच नॉट क्या होगा? निगेटिव होगा, और ऐसे में स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा पॉजिटिव। और अगर इंडोथर्मिक हुआ तब डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव, तब स्लोप क्या होगा? निगेटिव। और इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ? तो इंटरसेप्ट होगा डेल्टा एस नॉट बाई 303। तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, स्लोप ऐसा मतलब पॉजिटिव स्लोप है ना, अरे थीटा ए हो गया, तो यहां स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप क्या बता रहा है कि रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक रहता तो निगेटिव स्लोप होता। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लेंगे तो डेल्टा एस नॉट एंड डेल्टा एच नॉट निकाल सकते हैं। समझ में आया? डेल्टा एस नॉट एंड डेल्टा एच नॉट निकाल सकते हैं। लिख लिया इतना क्या? ऊपर करें और
हॉस्टल से कौन कौन आया है? हॉस्टल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उत्कर्ष नहीं आया ना? और कौन नहीं आया हॉस्टल से? कौन नहीं आया? रविश मिश्रा नहीं आया, और अंश नहीं आया है, और उत्कर्ष नहीं आया है। हाँ, राकेश भी नहीं आया है। चार लोग हॉस्टल से ही गए हो। लिख लिया। अब देखो, अब है, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर इंटू 1/T प्लस डेल्टा एस नॉट बाई 2.300 आर, है ना? 2.303 आर। मान लेते हैं कि एट टेम्परेचर, T1 के इक्विलिब्रियम मान लो है K1, और टेम्परेचर हमने T2 कर दिया, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो गया? K2। तो हम यहां से इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? लॉग ऑफ K1 लिखेंगे तो माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर 1/T1 प्लस डेल्टा एस नॉट बाई, ये दिखने में इतना भारी इक्वेशन लग रहा है, बाद में एकदम छोटा हो जाए। कैसे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे तो अंतिम में हो गया था ना सब छोटा, वैसे। और लॉग ऑफ K2 लिखेंगे तो माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर 1/T1 की जगह क्या हो जाएगा? T2, और डेल्टा एच नॉट बाई, अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? तो ये लॉग K1/K2 हो जाएगा, और ये दोनों तो कट जाएगा, और यहां से बचेगा माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर, कॉमन ले लिया, 1/T1 माइनस 1/T2, और कहेंगे इसको लॉग ऑफ K2/K1, उल्टा होकर माइनस इधर ले आएंगे तो हो जाएगा डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये रिलेशनशिप है टेम्परेचर वर्सेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फाइनल। अब हम पीछे वाले सवाल को बना सकते हैं, सवाल को वापस ले आते हैं। सवाल को वापस ले आते हैं। देखिए, तो सवाल में क्या है, हम लगा देते हैं। दिया हुआ है K1 का वैल्यू कितना? 0.0118
टेम्परेचर कितना है उस समय? 1300 केल्विन। के टू का वैल्यू पूछा गया है जब टेम्परेचर कितना हो गया है? 1200 केल्विन। डेल्टा एच दिया हुआ है, हीट ऑफ डिसोसिएशन इज, हीट ऑफ डिसोसिएशन ही तो डेल्टा एच है, ये दिया हुआ है 597.4 किलो जूल। बताओ तो रिएक्शन इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ा है तो इंडोथर्मिक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम बढ़ता तो टेम्परेचर घटाने पे के इक्विलिब्रियम घटेगा, तो फाइनल आंसर 0.0118 से भी छोटा आने वाला है। तो लो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, तो लॉग ऑफ के टू का वैल्यू लिख देते हैं, के टू, और के वन का वैल्यू लिख देते हैं 0.0118, और डेल्टा एच का वैल्यू है 597.4 किलो जूल डिवाइडेड बाय 2.303। आर का वैल्यू कितना होता है? 8.31 जूल में होता है ना, जूल पर मोल पर केल्विन। आर हो गया, और टी वन का वैल्यू था कितना? 1300, और टी टू का वैल्यू कितना है? 1200। तो यहां से निकलेगा तुम्हारा के टू, तो ये वैल्यू क्या हो गया? लॉग ऑफ के वन प्लस के टू, 597 को हम लगभग लगभग 600 लिखते हैं, और किलो में है तो 1000 कर दें, 2.303 × 8.31, इसको लिख दें 2.3, और इसको भी लिख दें 8.3 जूल, और जूल चला गया अबे। और यहाँ से हम क्या करें, नीचे वाले में से 100 कॉमन ले लें क्या? तो 1/13 − 1/12, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, कितना हो गया? अब हो गया 600 की जगह 6000, 23 × 3 कितना होता है? 69, तो 6 बचा, 23 × 8 160, और 24 184, 184 और 6 190, 190 पे 2 जीरो, 19.09 इंटू 12 में से 13 गया -1 डिवाइडेड बाय 12 × 13, कितना हो गया? 6000 डिवाइडेड बाय 19 लिख देते हैं इसको, और ये हो गया -1/12 × 13, 12 से तो कट जाएगा 500, 13 × 19 कितना होता है? -500 / 19 × 3 57, 5, 19 और 5 24, इसको 250 करते हैं, है ना? 250 से क्या हो गया है? -2, और -2 लिखेंगे तब हो जाएगा लॉग ऑफ, उल्टा कर दो, 0.0118 / के टू का वैल्यू हो जाएगा 2, और 2 होता है क्या? लॉग ऑफ 10 to the power 2, तो ये होता है लॉग ऑफ 100। तो क्या हो गया, आप लॉग लॉग कंपेयर करोगे तो जाएगा 0.0118 / के टू का वैल्यू 100 हो गया, तो के टू का वैल्यू हो गया 0.0118 × 10 to the power − 2, 100 गुना घट गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर 100 केल्विन से घटाने पे। क्या आप तुम किसी टेम्परेचर पे निकाल सकते हो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? निकाल सकते हो। तो ये था थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब सवाल और कौन कौन सा था? आज होमवर्क में ए वाला टॉपिक ऐड कर लो, कौन सा?
थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम सेक्शन के, देखो होमवर्क सेक्शन के पार्ट वन एंड पार्ट टू, सेक्शन के पार्ट वन एंड पार्ट टू। सेक्शन जे भी ऐड कर लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर भी पढ़ा दिए, तो बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, वो कल पढ़ लेंगे, और इस हफ्ते हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल करेंगे। टेस्ट जो तुम्हारा है इस हफ्ते में, उसमें हमने दो चैप्टर लिया था, गैसियस स्टेट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट। क्या उसका सिलेबस बदल दे, क्या सिलेबस बदल के कर दें गैसियस स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम, या खाली केमिकल इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? ठीक है, हम सिलेबस चेंज करवाते हैं, गैसियस स्टेट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए, तो केमिकल इक्विलिब्रियम आज कंप्लीट करने की कोशिश करो, और अगले क्लास में हम फिर इस पे और जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है वो पढ़ा देंगे, और बाकी जो फ्राइडे सैटरडे था उसमें हम लोग इस बार प्रैक्टिस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का।